कॉकटेल ब्रीडिंग का सबसे अहम पॉइंट जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, चिक्स निकलने पर क्या करना चाहिए, चिक्स जब निकल रहे हों तो उनको चेक कैसे किया जाता है, क्या डेली चेक करना जरूरी है, और चिक्स में चेक क्या करें, आखिर बॉक्स जब खोलेंगे तो क्या देखें, हमें कैसे पता चलेगा चिक्स सही है या नहीं, चिक्स को फीड करवाई जा रही है या नहीं, या चिक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और लोग यहीं पर धोखा खाते हैं। सो हाई गाइज, यूर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। कॉकटेल के अंदर लोग क्या गलती करते हैं कि या तो ब्रीडिंग के बारे में सोचते रहते हैं कि ब्रीड कब आएगी ब्रीड कब आएगी। आधे से ज्यादा लोगों को जल्दी होती है, वो उस चीज पर गौर रखते हैं, और जब ब्रीड आ जाती है उसके बाद वो गौर ही नहीं करते, उनको लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा या अब तो मसला ही हल हो गया। लेकिन मसले शुरू ही वहां होते हैं जब चिक्स हैच करना शुरू करते हैं, सारा मसला यहाँ से शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे भाई फीडिंग की बात करेंगे कि फीड नहीं करवाते पेरेंट्स से, क्या है वो बात हो गई है पुरानी, वो सबसे अहम भी है और सबसे पहला पॉइंट वही होता है, तो उसको तो आप जहन में रखिएगा ही, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, बट जो बात मैं करने लगा हूँ ये भी बहुत अहम है। पहला सवाल, क्या बच्चे निकलना जब शुरू हो जाएं तो क्या उनको डेली बेसिस पर चेक करना पड़ेगा? जी हाँ, डेली बेसिस पर चेक करना पड़ेगा। जब आपके चिक्स जो है वो हैच हो जाएं तो आपको डेली बेसिस पे दिन में सिर्फ एक बार, खासकर सुबह के टाइम पे आपने कोशिश करनी है, सुबह के टाइम पे आप चेक करें। चेक क्या करना होगा, बस बॉक्स खोल के, बॉक्स की जो खिड़की खोलते हैं उसको चेक करना है, खोल के देखना है बच्चे ठीक हैं, पेरेंट्स ने फीड वगैरह करवाया हुआ है, कोई बच्चा मर तो नहीं रहा या मरा हुआ तो नहीं है। बाज़ूकात ऐसा होता है 5 बच्चे थे, एक छोटा वाला मर गया है, अब उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, 3 दिन आपने देखा ही नहीं, उसकी डेड बॉडी अंदर गल गई सड़ गई, और हो सकता है उसकी वजह से दूसरे बच्चे इफेक्ट हों या किसी किस्म का उनकी सेहत के ऊपर कोई असर पड़ जाए। होता है ना, डेड बॉडी साथ में पड़ी हो, गंदी चीज़ होती है यार, नापाक चीज़ होती है ना, तो उससे जरासीम बाकी बच्चों को लगते हैं, उन बाकी बच्चों के मरने का भी खतरा होता है। और कई बार ऐसा होता है एक आध बच्चा जब मर जाए ना तो पेरेंट्स बॉक्स में नहीं उतर रहे होते, फिर बाकी बच्चों को भी फीड नहीं करवाते, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है, तो इसलिए भी आपको बॉक्स देखना है, जो बच्चा मरा है उसको फौरी तौर पर फेंकना होता है ताकि बाकी बच्चों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कितने दिन तक आपने चेक करना है, देखें कम से कम लगातार जो बहुत नाजुक टाइम होता है ना वो ये होता है कि जिस दिन बच्चा हैच होता है ना उस दिन से लेके अगले 10 दिन तक का जो टाइम होता है ना बहुत नाजुक होता है, क्योंकि अमूमन जो कॉकटेल के बच्चे मरते हैं ना वो कितनी एज के होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही होता है कि 3-4 दिन का बच्चा मर गया, 5 दिन का मर गया, मेजॉरिटी केसेस में। शुरू के 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे 4 दिन के बच्चे ही मरते हैं, 5 दिन के ही बच्चे मरते हैं मैक्सिमम फीड ना करवाने की वजह से। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसके अलावा हमने क्या चेक करना है, इसके अलावा हमने ये चेक करना है कि इनके पैरों में इनकी ड्रॉपिंग्स तो नहीं चिपक रही। आपने ड्रॉपिंग्स को गौर से देखना है, अपने बॉक्स में हमेशा ड्रॉपिंग्स को चेक कीजिए कि भाई ड्रॉपिंग्स ड्राई हैं या गीली रह रही हैं। अगर वो गीली हो रही हैं बहुत ज़्यादा तो थोड़ी बहुत नेस्टिंग डाल दें ऊपर, ताकि जो गीलापन जो है वो नेस्टिंग अपने अंदर पी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाए बॉक्स में तो बच्चों के पैरों में चिपकती है और कई बार आंखों में भी चिपकती है, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खुश्की से मर जाते हैं जो चिपक रही होती है ना उनके ऊपर, तो आपने इनकी ड्रॉपिंग्स लाजमन चेक करनी। और अगर आप देखते हैं कि भाई ड्रॉपिंग्स जो है वो पैर में चिपक रही है नाखूनों के अंदर, तो फिर उसको बड़ा पोलाइटली तरीके से बाहर निकाल के उसको बहुत आराम आराम से उतारें, कोशिश करें कि गीला करके उतार लें, रुई में पानी लेके उसके पैरों पर मारें, क्योंकि ड्रॉपिंग पे आप पानी लगाएंगे ना तो वो फट के खुद ही गल के निकलना शुरू हो जाएगी। अगर आप खींचातानी करेंगे तो आपके बर्ड का पैर जो होता है ना वो इतना नाजुक होता है, उसकी स्किन इतनी नाजुक होती है कि जैसे आप खरबूजे का छिलका उतार देते हैं ना इस तरह वो पैर उनके कट जाते हैं, मतलब ड्रॉपिंग उतारने उतारने में ही आपके बर्ड के पैर का काम तमाम हो सकता है। अब जो चीज़ आपने चेक करनी है वो होती है प्लकिंग। प्लकिंग बोलते हैं जो पेरेंट्स बच्चों के कांटे नोचते हैं, यानी कि पिन फीदर जो निकलना शुरू हो जाए तो पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों के नोचना शुरू कर देते हैं। अमूमन क्या देखने में आता है कि कॉकटेल जो है वो अपने बच्चों के सर का जो ताज है वो जब फूटना शुरू होता है तो उसके कांटे निकल रहे होते हैं नए नए, तो पेरेंट्स क्या करते हैं उसको चबाना शुरू कर देते हैं और निकाल देते हैं, उसको कहते हैं प्लकिंग करना। अच्छा, अगर वो ताज उखेड़ रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, होता है कभी कभार कुछ पेयर में, और अगर वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कमर के ऊपर भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपने क्या करना है कि जिस जगह की वो प्लकिंग कर रहे हैं ना, अमूमन शोल्डर पीछे जो कमर पे देखने में आती है कि कमर पे प्लकिंग कर रहे हैं, तो जहाँ वो प्लकिंग कर रहे हो वहाँ का आपने क्या करना है, एलोवेरा का जेल लेके ना, मतलब जेल से मुराद ये कि ताज़ा एलोवेरा लें, अपने घर में एक गमला उगा लें या किसी के पास लगा हुआ तो उनसे ले लें आप, एलोवेरा तोड़ें, एलोवेरा तोड़ने के बाद उसका जो पानी होता है ना उसके अंदर से जो कड़वा कड़वा पानी निकलता है वो लेके उस जगह पे मलें जहाँ पे पेयर प्लकिंग कर रहा हो, बच्चों के उस जगह पे मल दें वो आप, उससे होगा ये कि एलोवेरा का टेस्ट बहुत कड़वा होता है तो कॉकटेल जो है वो फिर थोड़ा सा रिपेल हो जाता है, प्लकिंग से थोड़ा सा दूर हो जाता है, प्लकिंग इतनी ज़्यादा नहीं करता,
और ऐसे में अगर प्लकिंग ज्यादा हो रही हो तो कोशिश करें अपने पेयर को, उसी पेयर को कोई ऐसी चीज दें जो वो कुतरता रहे ताकि उसका स्ट्रेस निकल जाए और बच्चों की जान छोड़ दे वो। उसको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप कटल बोन दे सकते हैं, जो समुद्री झाग होता है वो भी दे सकते हैं, और जो कैल्शियम वाले जो ब्लॉक आते हैं ये भी आप लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी उनका स्ट्रेस दूर होता है, वो चबाते रहते हैं। झाड़ू के तिनके जो होता है वो डाल दें, वो भी ये चबाते रहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसको ये चबाते रहें, इस तरह की चीज़ें जो है अपने पिंजरे में ऐड कर दें ताकि उनका स्ट्रेस निकल जाए आपके बर्ड्स। अब अगर आपके बर्ड्स की आंखें खुल गई हैं, बच्चों की आपको लग रहा है कि खुल गई हैं, तो आपने नज़र रखनी है कि कहीं किसी बच्चे की आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है जिसकी एक आंख बार बार वो बंद कर रहा होता है, या उसकी आंख से पानी निकल रहा होता है, या सूजन हो जाती है, तो उसमें आपने क्या करना होता है, मेथा क्लोर नाम का आई ड्रॉप होता है, एक एक कतरा दोनों आंखों में डाल दें, 3 दिन लगातार डालें, सही हो जाएगा। उसको ज्यादा मत डालिएगा, अगर आप ज्यादा कतरे डालेंगे तो फिर उसके आंखों के इर्द गिर्द के बाल जो है वो कड़क होना शुरू हो जाएंगे, इससे बजाय कि वो ठीक हो वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। जो बॉक्स की वेस्टेज है, ड्रॉपिंग वगैरह जो है, वो कोशिश किया करें कि हर 3 दिन बाद उसको चेंज कर दें, यानी कि पुरानी निकाल लें और नई जो है वो उतनी डालें जितनी पुरानी थी, मतलब बहुत ज्यादा मत डालें। और कोशिश करें बॉक्स में कोई ऐसा चेंज नजर ना आए कि जिससे पेयर आपका इनसिक्योर फील करे। कई बार लोग क्या करते हैं, पूरा बॉक्स साफ कर देते हैं और ये बड़ी बड़ी जो है ना नेस्टिंग उसमें डाल देते हैं, दोबारा से नेस्टिंग मटेरियल, वो जो लकड़ी का बुरादा होता है वो बहुत ज्यादा डाल देते हैं। अब उससे होता ये है कि बेसमेंट का पूरा कलर चेंज हो जाता है, हुलिया चेंज हो जाता है, और पेयर जो है जब देखता है और डर जाता है, फिर वो नीचे नहीं उतर रहा होता डर के मारे, उसको लग रहा होता कुछ नया हुआ है नीचे, कोई हरकत हुई है। तो इतना इस तरह के काम नहीं करने, नेस्टिंग चेंज जरूर करें लेकिन कोशिश करें जल्द अज जल्द करें ताकि ज्यादा चेंजेस फील ना हो बर्ड को। हमेशा उतनी नेस्टिंग डालें जितनी लास्ट टाइम आपने डाली थी, ताकि बर्ड को किसी किस्म का कोई बहुत नया या बड़ा चेंज देखने में ना आए, ताकि वो डरे ना, किसी किस्म का खौफ उनमें पैदा ना हो, तो ये चीज का ख्याल आपने जरूर रखा। अब बात करते हैं, आपने कीड़ों पर नजर रखनी है। देखें कीड़े बहुत तरह के होते हैं बॉक्सेस के अंदर। अगर आपने सुंडियां देखी हैं, वो जो बारीक बारीक जो सुंडियां होती हैं, अगर वो नेस्ट बॉक्स में हो रही है तो इट्स ओके, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो बीटल का लार्वा होता है, जो बारीक जो लंबी लंबी जो सुंडियां होती है ना, वो बीटल का लार्वा होता है। बीटल क्या होता है, काले कलर का खटमल के जितना एक कीड़ा होता है, और इसको सफाई कर्मचारी कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो ड्रॉपिंग का जो गीलापन होता है उसमें जाके अंडे दे देता है। कुछ दिनों बाद अंडे में से बच्चे निकलते हैं जो कि लार्वा की फॉर्म में होते हैं। जो ये बारीक सुंडियां होती हैं उसी का लार्वा होता है। तो ये सुंडियों का काम यही होता है कि ये फौरी तौर पे बॉक्स की जितना गीलापन है ये वो सब साफ कर देती हैं। ये जितना बॉक्स का गीलापन होता है ये उसको चूस लेती हैं और बड़ी हो जाती हैं और फिर बीटल बन जाती हैं। तो बीटल जो है वो एक बहुत ही साफ सुथरा कीड़ा है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये कीड़ा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये कीड़ा ना हो तो इंसान जो है जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये बहुत सफाई करते हैं। अच्छा, अब कौन सा ऐसा कीड़ा है जिससे आपने बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, वो कीड़ा मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। लाइसिस, जुएं। दूसरे नंबर पे दीमक। तीसरे नंबर पे लाल बेग। आपने लाल बेग से, दीमक से और लाइसिस से जो है ना वो आपने बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके बर्ड्स में लाइसिस हो जाती है बारीक बारीक, आपको पता नहीं चलता। अब आपको समझ में नहीं आती कि यार इसको मैं कैसे ठीक करूं, मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। अच्छा, पहचानने का तरीका क्या होता है, आप जब भी अपने सेटअप पे जाएंगे ना, आपको लगेगा मेरी कमर पे कुछ चल रहा है बारीक बारीक, या दाना पानी करने के बाद जब आप अंदर घर में आएंगे तो आपको लगेगा यार मेरे हाथों पे ना कोई चीज चल रही है, बट नजर नहीं आ रही, आपको खारिश होना शुरू हो जाएगी पूरे जिस्म पे। और ऐसा भी केस था, मेरा दोस्त था, उसने मुझे बताया कि यार मेरे पूरे घर वाले कह रहे हैं कि घर में कोई ऐसी चीज है जो नजर नहीं आ रही और चल रही है हमारे ऊपर, तो वो अब समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। तो वो बेसिकली लाइसिस ही होती है, जिसको जुएं कहा जाता है, बर्ड्स की जुएं होती है। वो कॉकटेल के बच्चों में आ जाती है अगर आप सफाई का ख्याल ना रखें, या हवा का अच्छा आमदोरफ ना हो, यानी कि वेंटिलेशन अच्छी ना हो, तो वहां भी वो आ जाती है। ऐसे में क्या करना पड़ता है भाई, ऐसे में एंटी लाइसिस स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंटी लाइसिस स्प्रे परिंदों के ऊपर मारेंगे तो उनकी जुएं शुएं खत्म हो जाएंगी। डायरेक्ट आप चिक्स के ऊपर भी मार सकते हैं, अपने तमाम पेयर के ऊपर मार सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये आपको मेरे पास से मिल जाएगा एंटी लाइसिस स्प्रे, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, लेकिन पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीजें ताकि आप एक साथ मंगवा सकें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भी है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी हमारे पास आता है, इसके अलावा प्रोटीन लिक्विड है बहुत ही जबरदस्त है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। चिक्स को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, ये डॉक्सीसाइक्लिन भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। जब आपके पेयर ने चिक्स दिए हुए हों और आपको लग रहा हो कि चिक्स ज्यादा हैं, तो पेरेंट्स का स्टेमिना बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये पानी में मिलाकर देते हैं जिससे इम्यूनिटी और स्टेमिना बढ़ता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। अगर आपके बर्ड इन्फेक्टेड हैं, बीमारी में आ गए हैं, हड्डियां निकल रही हैं, नजला खांसी, मोशन हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, तो ऐसे में हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी।
अब ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए सिंपल सा उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को ठोक को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।